चुनाव आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। दोनों ही राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है, वहीं हरियाणा विधानसभा की अवधि 2 नवंबर को खत्म हो जाएगी। नोटिफिकेशन जो है वो 27/9 को जारी होगी। नॉमिनेशन जो है उसका आखिरी जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशंस का स्क्रूटनी करते हैं यानी कि उसका एनालिसिस करते हैं अंडर द लॉ, वो 5 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर को है। अगर किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ करना हो तो लास्ट डेट 7/10 है। जो पोलिंग है यानी कि जो वोटिंग है वो 21 अक्टूबर को है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो 24 को है दोनों स्टेट्स में, और सारा प्रोसेस 27/10 तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म ऑफ द हाउसेज हैं इसकी हरियाणा की 2 नवंबर और महाराष्ट्र की 9 नवंबर। तो 2 नवंबर चूँकि हरियाणा की है तो एवरीथिंग गोज बैकवर्ड फ्रॉम देयर, इज काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम देयर। तो सारा प्रोसेस 27 तक पूरा हो जाएगा। असेंबली असम 4 यानी 4, बिहार 5 यानी 5, छत्तीसगढ़ 1 यानी 1, गुजरात 4 यानी 4, हिमाचल प्रदेश 2, कर्नाटका 15, केरला 5, मध्य प्रदेश 1, मेघालय 1, उड़ीसा 1, पुडुचेरी 1, पंजाब 4, राजस्थान 2, सिक्किम 3, तमिलनाडु 2, तेलंगाना 1, उत्तर प्रदेश 11, टोटल 64 और इसके अलावा सॉरी आ रहा उस पर भी आ रहा हूँ, उसमें बिहार में सिर्फ लोकसभा का 1 है, दैट इज एट समस्तीपुर 1। एवरीथिंग इज कवर्ड दिस। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 228 सीटें हैं, यहां सीधा मुकाबला बीजेपी शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच है। वहीं 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी का लक्ष्य कांग्रेस को एक बार फिर करारा झटका देकर दूसरा कार्यकाल अपने नाम करने का है।